पाकी प्रखंड के सूढ़ी पंचायत की मुखिया बिंदा देवी एवं उनके पति पूर्व मुखिया लोकनाथ यादव ने सोमवार की दोपहर अपने आवास पर दर्जनों ग्रामीणों के उपस्थिति में प्रेस वार्ता कर कहा कि पंचायत के कुछ विरोधी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने के साजिश कर रहे हैं। महिला मुखिया के ऊपर आए दिन तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत पलामू उपायुक्त के समक्ष जनता दरबार में गाँव की एक महिला मालती देवी ने मनरेगा योजना के तहत एक दिन के पैसे को मुखिया बिंदा देवी के द्वारा मांगे जाने के मामले पर कहा कि मुखिया के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है जो बेबुनियाद है। वे किसी कार्ड धारकों से किसी तरह के पैसे की मांग नहीं की है। मुखिया बिंदा देवी का मालती देवी के साथ विवाद चल रहा है जिस कारण उन पर गलत आरोप आए दिन लगाए जा रहे हैं। मुखिया बिंदा देवी ने आगे कहा कि पंचायत क्षेत्र के जन समस्याओं को लेकर वे हमेशा तत्पर रहती हैं जिस कारण पंचायत चुनाव में उनके पति व उन्हें भी समर्थन मिला है जिसे विरोधी पचा नहीं पा रहे हैं और तरह तरह के आए दिन षड्यंत्र कर उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। मुखिया बिंदा देवी ने उपायुक्त पलामू ए दोड़े से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मुखिया बिंदा देवी ने कहा कि पांकी के अंचलाधिकारी निर्भय कुमार उनके दामाद नहीं है बल्कि गाँव के किसी दूर के रिश्तेदार के संबंधी है। ऐसे में इस तरह का अफवाह फैलाना गलत बात है। अंचलाधिकारी एवं उनकी प्रतिष्ठा का हनन किया जा रहा है जो बेहद शर्मनाक है। पांकी से अनुज प्रसाद की रिपोर्ट। नाम बिंदा देवी, सूढ़ी पंचायत का मुखिया आरोप लगा गया है मरेगा से। हम नहीं जान रहे हैं झूठ सच के। मालती देवी के आरोप उल्टा आरोप लगा रही है। आप उनके घर में गए थे पैसे की मांग करने? हम नहीं गए हैं उसी घर में। तो ये आरोप झूठा है? आरोप झूठा है। मैं लोकनाथ यादव, मुखिया पति सूढ़ी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से जो आप सूढ़ी पंचायत के बारे में जो आप लोग अभी न्यूज पढ़े होंगे या जो वायरल हो रहा है उसको आप लोगों ने देखा सुना होगा, ये बिल्कुल निराधार है। ये बिल्कुल जानबूझकर विपक्षी फंसाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि किसी भी रूप में इसको ये आदमी फंस नहीं रहा है। क्योंकि जब भी मैं विकास के कार्य कोई करना चालू करता हूं, इन लोग हमेशा ऐसे विकास के काम को बाधित डालने के लिए तरह तरह के लोग हटकंडे अपनाते रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिमला मालती देवी के बारे में सुना होगा, मालती देवी जो आवेदन लगाई है ये बिल्कुल निराधार है। आज तक ना मालती देवी के यहाँ मेरी पत्नी गई ना मैं गया, और ये चीज़ जान भी नहीं रहा हूँ कि मालती देवी के खाते में पैसा गया है, जो कि बिल्कुल निराधार और झूठा है। रही बात मेरे विपक्षी, तो आज से नहीं, अब मालती देवी के घर से मेरा पूर्व से ही झगड़ा चलते हुए आ रहा है। जो आप लोगों ने सुना होगा छठ पूजा में प्रसाद वितरण के लेकर वहां पर झगड़ा हुआ था मेरे साथ, जिसका केस उस भी हुआ है। उसी को केस के लिए कंप्रोमाइज के चलते बार बार मेरे पास धमकी भी आ रहा है, और उसी के चलते हमको ये फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जब अगर केस में किसी तरह फंसा देंगे तो हमारे साथ कंप्रोमाइज कर लेगा। उसमें हमारे बेटा का कपार भी फाड़ा गया था। मालती देवी के खाते में मनरेगा का राशि आया है ऐसा कुछ जानकारी है, इसके संबंध में क्या कहेंगे? उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। किस योजना का पैसा आया फिर या क्या जानकारी? वो पहले से पूर्व से हमको पता नहीं था, अभी कुछ पता चला भी है कि हाँ ऐसे एक योजना में एक दिन का हाजिरी उसका लगाया गया है, लेकिन उसमें ऐसे ऑफलाइन में कहीं पर हम लोग से साइन नहीं हुआ है। और ये लोग ऐसे बार बार हमको फंसाने की कोशिश करता है, बार बार माने बदनाम करने की कोशिश करता है। उपायुक्त से क्या मांग करते हैं आप? मैं उपायुक्त महोदय से यही मांग करना चाहता हूं कि श्रीमान आप इसको निराधार इसका जांच कीजिए, अगर मुझ में दोषी पाया जाता है तो मुझे जो भी आप ऐसा सजा दीजिएगा मैं उसके लिए मंजूरी लेता करता हूं। और मैं चाहूंगा कि ऐसे जो झूठा एलिगेशन लगा के मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं वैसे लोग पर भी कुछ कार्रवाई करने का उपाय मुझे बताया, उस पर कार्रवाई मैं करना चाहता हूँ। मानहानि का अगर केस करूंगा मैं उन लोगों, यहाँ तो जो भी पदाधिकारी आए हैं अभी, जैसे यादव पदाधिकारी आए हैं, अंचल पदाधिकारी यादव हैं, तो लोग उसके साथ संबंध कर दे रहा है। अभी थाना प्रभारी आए हुए हैं यादव जी,
उसके साथ भी संबंध लोग कह देगा कि उसके साथ भी संबंध है, तो ये सब है से निराधार है सब। लोग बोलता है दामाद बाबू, वो गांव घर के रिश्ता में है से हम लोग का भैसे बहनोई लगते हैं। खुलेआम बोलना चाहता हूँ कि गाँव घर के रिश्ते में बहनोई लगते हैं, मांगा चांगा नहीं, पूरे गाँव का वो है से दमदुआ है, लेकिन उनके ससुराल वाले यहाँ कोई रहते नहीं है, सब लोग रांची रहते हैं। ये दामाद का जो रिश्ता है ये निराधार है, हमारा वो दामाद नहीं, हमारा वो है सब बहनोई लगते हैं गोतिया परिवार में। जो आदमी किया है केस उसका भी बहनोई लगता है। आपका पंचायत हमेशा मतलब क्या कहा जाए विवाद में रहता है, लेकिन आज तक कोई प्रमाण या फिर कोई जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुआ है। नहीं आज तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए मैं कहना चाहूंगा, ये लोग हमेशा लगाते हैं एलिगेशन, लेकिन आज तक कभी प्रमाण नहीं हुआ। पूर्व में एक बार ऐसे हैदर अली साहब आए हुए थे, इसी तरह विकास के काम में लोग बाधा डालने की कोशिश किए। जब हैदर अली साहब आए अल्लाह के, जब जांच किए तो मैं सभी जनता के बीच में हमारे पीठ थपथपाते हुए बोले कि ठीक है बढ़िया काम कर रहे हैं मुखिया जी, हम लग के कीजिए, आने वाला समय में फिर आप मुखिया बनिएगा। आओ सही बात हुआ, हमने मेहनत किया, जनता के बीच में मेरा लोकप्रियता रहा।